कहाँ झूला का ना झूला। हमको बहुत डर लगता है, ठीक है। पहला टाइम तो उल्टी हो गया था यार। तुम्हारा ब्लॉग में लेना बहुत जरूरी है। हम जा रहे हैं, हमें कुछ भी होते हैं सारी जिम्मेदारी झूला वाले की है, कामरान भाई की है। लिटरली हम लोग राम झूला पे बैठ गए। बहुत ज्यादा तो इस बार इक्वेरियम आया है तो वो 70 रुपीज है। तो फिलहाल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? ठीक हो? हाँ। तो आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं मेला देखने। परसों से रमजान शुरू हो जाएगा और फर्स्ट वीक संडे पर रहा है, तो एक आप लोगों को पता होगा महाशिवरात्रि हुआ है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत सालों से चला आ रहा है ये मेला। तो वही मेला हम लोग सोच रहे हैं कि चलो बच्चे लोगों को दिखा दिया जाए, घुमा दिया जाए, क्योंकि बच्चे लोगों का एक शौक होता है ना कि चलो भाई झूला पे झूलना है। तो हम लोग वही जा रहे हैं, थोड़ा राम झूला पे बैठेंगे, उस पे झूलोगे? हाँ हाँ, राम झूला को कहते हैं जियांट व्हील, पता है? पता है। हाँ, जियांट व्हील पे अगर बैठोगे तो फिर सर घूमने लगेगा। तुम किस पे बैठोगे? हम मिक्की माउस पे। मिक्की माउस। हाँ। गाइस क्या बताऊँ, फैमिली टूर हमारा जो होता है वो साल में बस एक बार होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब भी हम लोग मेला जाते हैं ना तो हमेशा सब साथ जाते हैं। तो अभी मैं आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है, कितना सारा लोग है। और ये मैं ऑटो के सबसे पीछे वाले इलाके में बैठा हूँ, देख सकते हो। ये मिसबा है, उस साइड मिन्नत है, उधर मदिया है और उसकी मम्मी है, ठीक है। और इधर देखो, इधर बच्चा सब है। कहाँ जा रहे हो? अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मधेपुरा से 5 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है सिंगेश्वर। बहुत बड़ा मंदिर है जो कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ स्पेशली पूजा करने के लिए। ये है हाथी गेट, जो कि सिंगेश्वर का बहुत पुराना हाथी गेट है और यहीं से शुरू होता है मंदिर। चलो तो फिलहाल अंदर चलते हैं। तो ये देखो, इसने स्नैपिया सब यहाँ पे पहुँच चुका है ऐसा लग रहा है। अब एक कीड़ा काट रखा है क्या स्नैप का? 2 3 ओहो मजा आया, झूला झूला। हाँ, अब नया वाला असली वाला झूला झुलाएंगे। देख सकते हो हम लोग एंट्री कर चुके हैं मेला में, और ये आप देखो सस्ता सेल सब आपको मिलेगा यहाँ पे, 10 रुपए में। और यहाँ से हमें डिज्नी लैंड भी दिख रहा है। और इधर जो है ये पूरा शॉपिंग का इलाका हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा है। अभी तो हम लोग बस पहुँचे हैं, आ चुके हैं किड्स वाले सेक्शन में। और यहाँ पे देखो ये कहाँ गया यार, हाँ है ना, वहाँ हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ है और उन्हें ये बाइक चला रहा है। देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेन चालू हो चुका है, और क्या बताया यार, मतलब एनाप और उनैप बैठा हुआ है। तो अभी बाय, आपका स्टेशन आ चुका है, आ जाओ। अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रेक डांस के ऊपर और पता नहीं मजा आने वाला है। तो फिलहाल यहाँ इस साइड देखो, ये मिन्नत है और उसकी वाइफ है। हाय। तो अभी देखते हैं क्या हाल होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही डेंजर झूले पे जिसका नाम है 360। बंदूक का शॉट कैसा लग रहा है? हाँ उसमें मारो, उसमें मैं लगाओ निशाना। यहाँ पे लग चुका है चैलेंज, अगर 2 फूट चुका है और यहाँ पे मैंने चैलेंज लगाया, 6 का 6 अगर फोड़ दिया तो पैसा मैं दूंगा। और देखते हैं, आप लोग जो आप बोलना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं सिंगेश्वर मेला के सबसे बड़े में झूले पे, जिसका नाम है, क्या नाम है झूला का? जो कि जियांट व्हील के नाम से भी जाना जाता है। हमको बहुत डर लगता है, ठीक है। हाँ, दूसरे टाइम चल रहे हैं, पहला टाइम चले तो उल्टी हो गया था, इस बार पता नहीं क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लिटरली हम लोग राम झूला पे बैठ गए हैं और भाई ऊपर सबसे ऊंचाई पे बैठा है, अच्छा लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। ध्यान कैसा लग रहा है भाई? बड़ी पड़ी हुई है यार, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। हम लोग आ चुके हैं नौगांव वाले पे, और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे सब एक लाइन से खड़े हैं, मतलब ये देखो, ये मारूफ है, मिसबा है और समीर है। तो हम लोग अब देखते हैं, हम लोग फाइनली नौगांव वाले पे आ गए हैं। समीर पानी का है, पानी कहाँ है? तो पानी का है, पानी अब निकलेगा नौ चलने के बाद। लहरें जा रहे भाई, लहरें निकलेगी।
यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं रेंजर पे 360 पे। तो ये हम लोगों ने टिकट ले लिया है, एक बार में सीट फुल हो चुका है तो हम लोग दूसरे। अरे यहाँ पे सबकी हालत खराब हो रखी है। अनस, अबे यार तुम्हारा ब्लॉग में लेना बहुत जरूरी है भाई, हम इसमें जा रहे हैं। हमें कुछ भी होता है सारी जिम्मेदारी झूला वाले की है, कामरान भाई की है। हाँ मेरी, हाँ पता है। इससे पहले सुनो ना, इससे पहले तुम इस टाइप का झूला पे बैठे हो कभी भी भाई? झूला भी नहीं बैठे। ओ भाई झोल हो रहा है, झोल बताना नहीं है क्या झोल है भाई? समीर कैसा लगा? टोड़ा टोड़ा में घोटोड़ा कटोड़ा कहाँ है? देख सकते हो इस बार एक्वेरियम आया है, और ये देखो इसका अभी जो प्राइस है वो 70 रुपीज है। तो फिलहाल हम लोग अभी इसमें तो नहीं जाएंगे, बस खाली देखने के लिए आया है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये आर्ट कितना अच्छा आर्ट लग रहा है, मतलब कि ये मंदिर बनाया गया है वैष्णो देवी मंदिर। और ये देखो आपको रास्ता भी दिया है ऊपर जाने का कि आप ऊपर भी जा सकते हो, लोग सब जा रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हो इस तरीके से जाने का बनाया गया है, और इधर से ऊपर जाने का है, और फिर उधर से वो एग्जिट गेट है लग रहा है, वो एग्जिट गेट है, और एग्जिट गेट ऊपर बाहर आ जाओ। काफी अच्छा आर्ट है, आप जो भी देख रहे हैं ना ये पर्दा से बनाया गया। इस साइड देखो पर्दा नीचे लग रहा है ना, पर्दा है हाँ, उस पर कलर किया गया है ब्लैक कि पहाड़ी जैसा थोड़ा लगे। यहाँ पे देख सकते हो ये टर्किश आइसक्रीम वाला भी आया है, जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से अभी से लचाया जाएगा। अभी हम लोग झूला झूलने के बाद मोमोज खा रहे हैं। कैसा लगा? चले क्या उधर जाना है? क्या हुआ, स्टीम लग गया क्या? होता है। पापा आया है। अब हम लोग आ चुके हैं ये मीना बाजार में, यहाँ पे आपको हर तरीके का सामान वगैरह मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये चप्पल वगैरह है। तो चलो इनसे पूछते हैं। हाँ भैया कहाँ से हो आप लोग? बेगूसराय से? मतलब हर मेला में जाते हैं क्या? कौन सा जगह भैया? महनपुर। ओह चलो तब अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये चूड़ी वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा सामान भी मिल रहा है, जैसे ये देखो ये नाचने वाला है, काफी अच्छा नच रहा है यार। यहाँ पे कुछ पब्लिक भी आ गया, और क्या हाल है भाई? सही है भाई। ओहो कैसा लग रहा, मजा आ रहा है झूला में? बहुत मजा। झूला वूला झूल लिया? क्या बात है यार। तो वही देखने आए थे कि भाई साहब सर में क्या लगाए हुए हैं। और भैया बढ़िया है ये सब, एकदम बढ़िया लग रहा है ना? बहुत आने के बाद मुझे सद्दाम भाई मिले, और सद्दाम भाई क्या लिए? अच्छा ये ले रहे क्या, बुरी नजर वाले का तेरा मुँह उजला? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा नहीं, अभी तक मिला भी नहीं है कोई, मिला भी नहीं बुरी नजर वाले तेरा मुँह। अच्छा सोच रहे की कुछ लेने के लिए चाह रहे हैं, छोटा चप्पल हमको अच्छा लग रहा है। हाँ तो कुछ छोटा सा ले लीजिए ना, ये क्लिप ले लीजिए ना, क्लिप दीजिए किसी को। अच्छा नहीं लीजिएगा। झूला वगैरह झूलने के बाद देखो यार इतना सारा सामान लिया गया है, अभी मतलब शॉपिंग भी एकदम जम के हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे ये आलू चिप्स कटर वगैरह कौन सा लिया जाए, ये वाला हम लोगों ने लिया है। ये ड्राई फ्रूट कटर है, एप्पल कटर। अच्छा इसको इस तरीके से ऐसे रखे और ऐसे काट दिए। ओ क्या, और बीच का ये बीच का घास निकल गया। ओ और चारों तरफ से इसका ये बन गया, आप देख सकते हो सेब वगैरह आप इससे काट सकते हो। ये जो सामान है ना फिर भी मेरे हिसाब से कम है, सही कह रहे हैं यार। मेरी मम्मी आती है ना भाई, इतना सामान लेती है, मतलब साल में एक बार आता ना, तो मम्मी लोग का कहना है कि भाई चलो सामान लेते हैं तो अच्छे से लेते हैं, बहुत पसंद है। और मोल वलाई भी अगर करना सीखना है ना तो मेरी मम्मी से सीखो। क्या हुआ, तुम क्या क्या लिया? दूरबीन और ओ अच्छा ये बबल्स भी लिया है। इसको सुनो ना पानी में डालना और बहुत बड़ा हो जाएगा एकदम, इतना बड़ा ना। हाँ हाँ ठीक है। बहुत अच्छा चीज मिल गया मुझे इस मेले में, तो मैंने ये लिया है, वो भी उनैफ के लिए। उनैफ पकड़ो हाथ में और ऐसे दिखाओ क्या है।
ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो गया, मतलब कि आप वहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल रखा हुआ है, उसमें आप कुछ भी लिखो और वहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ पे डिलीट करोगे तो सब मिट जाएगा। तो मतलब इसके प्रैक्टिस के लिए ले लिया है, अब ये पढ़ेगा। भाई शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहा, अभी ये शुरू हुआ तो अब ये ले लिए। ये मुझे लकड़ी वाला जो ट्रे ना काफ़ी अच्छा लग रहा, देखे हाँ ये दिखा रहा हूँ, यही चीज़ मैंने इसमें लिया है तो मैं दिखा रहा हूँ। और भैया कहाँ से हो आप? बंगाल से। बंगाल से आए हो? ओह अच्छा, तो बंगाल के आए हुए हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा बड़ा वाला, ये देखो ये छोटा वाला भी है और ये बड़ा वाला, तो मैं सोचा कि बड़ा वाला ले लूँ। तो मेरे यहाँ क्या है कि चाय वगैरह, बड़ी फैमिली है, चाय वगैरह प्रेजेंट करने में अच्छा रहेगा। तो चलो अच्छा लगा, शुक्रिया, थैंक यू भैया। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और भाई मत पूछो यार, मैं ये ब्लॉग रमज़ान से पहले ही बनाया था और मतलब मैं एडिट कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि रमज़ान आ गया और रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें होती है, जो रूटीन होती है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा दिमाग लगा ही नहीं रहा था। मैं सोचा कि चलो अब बाद में ही करेंगे, तो बहुत दिन बाद मौका मिला तो आज सोचा कि चलो, क्योंकि आधा पार्ट किया हुआ था रमज़ान से पहले और बीच में मुझे मन किया कि चलो अब थोड़ा सा कर दिया जाए। 18 रमज़ान लगभग हो चुका है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाना। बाय, अब मिलेंगे 2-3 रमज़ान ब्लॉग के साथ आप लोगों के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।